नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की लाठियां बरसी, टीयर गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन चले, राजस्थान में मंत्री की सभा में जूते चले, इल्जाम कांग्रेस के नेता पर ही लग गया। अशोक गहलोत की सभा में मंच से चेतावनी दी गई कि अगर गहलोत राजीव गांधी के अलावा किसी और का नारा लगाया तो मुश्किल में पड़ जाओगे, सीधे जेल जाओगे। अब यह चेतावनी क्यों जारी की गई, सभा में जूते और हावड़ा में लाठियां क्यों चली, यह सब आपको बताऊं उससे पहले आज कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं जो आपको हिलाकर रख देंगी। ये तस्वीरें उड़ते पंजाब की हैं, ये तस्वीरें नशे में लड़खड़ाती दुल्हन की हैं, ये तस्वीरें नशा करने जाती लड़कियों की हैं, ये तस्वीरें दिखाती कि पंजाब में नशे का कारोबार खुलेआम होता है। पंजाब की गलियों में नशे की गोलियां हैं, इस्तेमाल की गई सिरिंजों के ढेर हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। पंजाब में नशा हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, यह हर जगह दिखाई देता है, पर पूछने वाला कोई नहीं। कितने घरों के चिराग उजड़ गए, कितनी मांगों के सिंदूर इस नशे की वजह से मिट गए, कितनी माओं की गोद सूनी हो गई, लेकिन पंजाब को बचाने वाला कोई नहीं। आज मैं आपको पंजाब के एक ऐसे गांव की हकीकत दिखाऊंगा जिस गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें नशे के कारण मौत ने दस्तक न दी हो। उस गांव के लोगों की बात सुनवाऊंगा जिनके हाथ में अपनों की अब सिर्फ तस्वीरें बची हैं, दिलों में यादें हैं, आंखों में आंसू है और नशे के खिलाफ दिलों में गुस्सा। मैं आपको उस मां की बात सुनवाऊंगा जिसने अपने जवान बेटे को खोया है, उस पत्नी की बात सुनवाऊंगा पहले जिसका पति नशे की भेंट चढ़ गया और उसके बाद बेटे को भी नशे ने लील लिया, उस बेटे की बात सुनवाऊंगा नशे ने जिसके पिता को छीन लिया और उसके बाद उसके दो चाचा भी नशे के चक्कर में चल बसे। 10 साल का यह बच्चा अब अकेला रह गया है, वो अपनी मां की देखभाल करे या अपनी दोनों बेवा चाचियों की चिंता करे। इस बच्चे की बात सुनेंगे तो दिल कांप जाएगा। यह मासूम बच्चा गवाह है इस बात का कि नशे के कारोबार ने पंजाब को किस कदर बर्बाद कर दिया है। पंजाब में इस गांव के लोग पूछते हैं नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता, पंजाब में नशा कहां से आता है। आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसे देखने के बाद मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम को पंजाब के उस गांव में भेजा जहां हर गली में नशे का सामान दिखता है। मैं आपको ड्रग्स का वो हॉटस्पॉट दिखाऊंगा, वो जगह जहां हर गली में नशे से झूमते लोग दिखाई देते हैं, उम्र दराज हो, जवान हो, पुरुष हो, महिलाओं हो, लड़के हो, लड़कियां हो, पंजाब के इस गांव में हर कोई नशे में चूर दिखाई देता है। इंडिया टीवी के एक व्यूअर ने मुझे ये वीडियो भेजा, इसके साथ बस ये लिखा, क्या हो गया हमारे देश को, क्या नशे का कारोबार कभी रुकेगा। तस्वीरों में जो दिख रहा है उसके लिहाज से सवाल तो जायज था, इस सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। इस वीडियो में एक लड़की नशे की हालत में दिखाई दे रही है, वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही, एक कदम भी ठीक से चल नहीं पा रही, किसी सुनसान जगह पर नहीं, खुलेआम रास्ते पर। इस लड़के के हाथ में चूड़ा है जो ये बता रहा है कि लड़की की हाल ही में शादी हुई है, यानी नई दुल्हन लाल जोड़े में नशे की हालत में लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। ये शॉकिंग है। ये वीडियो इलाके के किसी व्यक्ति ने शूट किया, जो दर्शक इस वीडियो को शूट कर रहा है उसने यह भी बताया कि वीडियो किस जगह का है, बता रहा है कि इलाका आम आदमी पार्टी के विधायक जीवन ज्योत कौर का है, जगह का नाम है अमृतसर का मकबूलपुरा। सड़क बनी है, आ कुड़ी ने हुणे हुणे स्मैक का टीका लाया, इहदे को अपने पैरां ते नहीं खलोता जान डिया, उम्र के हिसाब ने भर जवानी मटिया रहा, आ हालात आ साडे पंजाब दे। मकबूलपुरे तो
जिथे गंदा नाला से उत्थे सड़क बनी आ। तो ये एम एल ए जीवन जोत दे इलाके च पैंदी आ, सामने बिल्कुल पुलिस चौंकी भी आ। हालात आ साढ़े पंजाब के, नौजवान तो नशे गलतान हैगी सी हुण मटियारां दा। जिस दर्शक ने ये वीडियो शूट किया वो पूछ रहा है हमारे पंजाब को क्या हो गया, हमारे नौजवानों की ये बेहाली कैसे हो गई। ये वीडियो देखने के बाद मैंने अपनी संवाददाता गोनिका अरोड़ा को अमृतसर के मकबूलपुरा में भेजा। गोनिका ने बताया कि पुलिस ने लड़की की पहचान कर ली है, लेकिन उसका नाम पता पुलिस ने शेयर नहीं किया। ये लड़की मकबूलपुरा की ही रहने वाली है, अब पुलिस ने इसे रिहैब सेंटर में भेज दिया है। लड़की कौन है, कहां की है, क्या करती है, ये सवाल छोटे हैं, इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। असली सवाल तो यह है जो इस लड़की की हालत देखने के बाद उठता है। गोनिका ने बताया कि मकबूलपुरा के जिस इलाके का वीडियो है वहां पास में ही पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। आज गोनिका को इसी जगह का एक और वीडियो मिला जो नशे से परेशान लोकल लोगों ने शूट किया था। इस वीडियो में रिक्शे पर बैठी दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं जो इस इलाके में ड्रग्स की डोज लेने आई थी। लोकल लोग उन्हें पहचानते थे, वो अक्सर आती हैं, इसलिए उनका वीडियो बना लिया। इन लड़कियों ने यह कहा, हाँ ये ठीक है, वो ड्रग्स लेने आई हैं, ड्रग्स खुलेआम मिलता है। एक लड़की ने तो कहा कि वो पिछले 10 साल से नशा कर रही है और नशा लेने के लिए यहां आती है। अमृतसर की वीडियो जी साझी करते पे हाँ, जिथे ये रिक्शे उत्ते बैठिया लड़कियां और जा रही ने, तो कितने कितने मंग यह कर दी पे ने कि नशा खत्म करने वास्ते सरकार कुछ करे, असं नशा छड़ना चाहते हैं पर नशा छड़िया नहीं जा रहा। हाँ ये हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन वालों कदम चुके जाते हैं, जिन्हें अखा भी नहीं खोल रही, तो उन्होंने वालों जरा ਤਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਤੀ ਲੜਕੀ ਦਿਖੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੇ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੀ, ਹਮਾਰੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਗੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ मकबूलपुरा के एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंच गई और वहां पहुंचकर गोनिका भी तंग रह गई। गोनिका ने बताया कि इस जगह को देखकर लग रहा है कि जैसे ये नशा करने वालों का फेवरेट स्पॉट है। इस जगह पर नशे में इस्तेमाल होने वाली चीजें बिखरी पड़ी हैं, नशे के इंजेक्शन, नशे की गोलियों के रैपर, इस्तेमाल की गई सिरिंजेस। गोनिका ने बताया कि मकबूलपुरा में ड्रग्स का सामान बिकता है, बाहर से लोग ड्रग्स के डोज लेने आते हैं और फिर वही डोज लेते हैं और आराम से चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहां अंडर द कारपेट छुपाकर कुछ नहीं है, सब कुछ खुलेआम सरेआम होता है। वो वीडियो दरअसल बिल्कुल यहाँ सामने से बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने यहाँ से उस लड़की का वीडियो बनाया। वो वीडियो, वो लड़की यहीं पर इसी जगह पर जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, इसी जगह पर वो लड़की खड़ी थी और जिस हालत में वो थी वो अपने आप में हर चीज बयां कर रही है कि वो लड़की लगभग कुछ मिनट तक अपने सुध में नहीं थी। उसे पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर वो कहाँ खड़ी है, वो ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही थी, कभी झुक रही थी, घुटनों के बल झुक रही थी। ये सारी स्थिति उस वक्त उस वीडियो में दिखाई दे रही है। और अब जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो स्थिति, वो लड़की किस मनोस्थिति में उस वक्त थी, वो सारे सबूत यहाँ पर है कि किस तरीके से जो लोग मकबूलपुरा की अलग अलग गलियों में जहाँ पे नशा बिकता है, जहाँ पे ड्रग्स बिकता है, वहां से ड्रग्स खरीद कर दरअसल इस जगह पर आते हैं क्योंकि ये एक फैक्ट्री का एरिया है, ये यहाँ पर तमाम फैक्ट्रीज है और इस जगह पर ये सुनसान एरिया है, यहाँ पर ना तो ज्यादा पुलिस की गश्त रहती है, ना ही यहाँ पर ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है और इसीलिए इसी जगह पर यहाँ पर आकर सबसे ज्यादा नशा का जो सेवन है वो किया जाता है। और उसका सबूत यहाँ पर पड़े हुए ये सिरिंज के खाली पन्नियां पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आगे जब और जाएंगे तो तस्वीरें और ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि किस तरीके से जो ड्रग्स का कंजम्पशन किया जाता है, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तमाम निशानियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें सिरिंज की जो सिरिंज है उसकी तमाम ये पन्नियां तो दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये देखिए, ये एक डिब्बी दिखाई दे रही है, ये दरअसल वो नशीला
पदार्थ है जिसको सिरिंज में भरा जाता है और उसके बाद उसका सेवन किया जाता है। और वो लड़की भी यहीं पर आई थी, यहीं पर आकर उसने ड्रग्स का सेवन किया और उसके बाद कई मिनट तक वो लड़की यहां पर इस तरीके की स्थिति में रही। और जब उसे तस्वीरों में कैप्चर किया गया उस शख्स के द्वारा, तब पता चला कि आखिर स्थिति कैसी है। गोनिका ने जिस जगह की तस्वीर आपको दिखाई वो पंजाब के किसी दूर दराज इलाके की नहीं है, अमृतसर की है। अमृतसर शहर में ही स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है मकबूलपुरा और इस इलाके ने हमारी आंखें खोल दी। नशे ने इस इलाके को किस तरह अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है इसकी तस्वीर आपने देखी है। अब यहां रहने वालों की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जमीनी हालत कैसी है। गुनिका जब इस जगह की रिपोर्ट भेज रही थी उसी वक्त कैमरा देखकर कुछ लोग आ गए और खुद ही कहने लगे कुछ तो करिए, सरकार को कुछ तो दिखाइए, सरकार को जगाइए, नशे के कारण यहां सब बर्बाद हो रहा है, इस पवित्र शहर में नर्क जैसे हालात बन रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कहा कि वो ड्रग्स की इस बीमारी के चक्कर में घर बार बेचकर यहां से चले जाएंगे क्योंकि अगर इस इलाके में रहे तो अगली पीढ़ी का बर्बाद होना तय है। सारी रात यहाँ नशा चलता है, क्यों हमारी नाइट में फैक्ट्री चलती है, हमारे बाद में बताते हैं। अच्छा, तो नाइट में फैक्ट्री चलती है और यहाँ पर लोग रहते हैं, 20-25-30-40 आदमी बैठे रहते हैं हमेशा। बाहर से लोग आते हैं या इसी इलाके के लोग होते? नहीं, बाहर से आते हैं, बाहर से आते हैं, इधर से नशा लेते हैं, अपना इधर से चलते इधर लगाते हैं। यहाँ पर नशा खुलेआम? हाँ हाँ, सरेआम यहाँ पर। क्या करते हैं आपके, किस चीज का? स्मैक, हीरोइन वगैरह, ये सब अपने टीके वगैरह लगाते हैं। कितने साल से आप लोग स्थिति देख रहे हैं? हमको तो यहाँ 2 साल हो गए, घर लिए तब से देख रहे हैं हम तो। अच्छा, पता, घर भी यहाँ? हमने जब से आए हम तो यहाँ पतन नरक में आ गए हैं, हम तो खुद यहाँ बेचने लगा रहे घर। हाँ, उधर से इधर से जाएंगे कहीं और। जब भी इधर आओ तो नशेड़ी घूमते रहते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन होते हैं, क्या ये जैसे वो लड़की का वीडियो दिख रहा है, एक अच्छी खासी युवा लड़की है, तो क्या ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे युवा भी आते हैं यहाँ पर? मालूम नहीं रहे, पता क्या, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कोई इधर तो मेला लगा रहता है। ये क्या दिन रात ऐसी स्थिति रहती है? ऐसा ही चलता रहता है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की, कभी देखा पुलिस यहाँ पर आ रही, गश्त कर रही है कुछ? पुलिस आती, पुलिस को डरते नहीं है जी, पुलिस से भी कोई डरते नहीं है। अरे हम क्या यहाँ नशा, आप रात को आओ, रात को देखो इधर मेला लगा होगा। लोगों की परेशानी ठीक है, जायज है, जो इलाका दिन रात नशा करने वालों का अड्डा बन गया हो वहां कौन रहना चाहेगा। लेकिन जब गुनिका इस इलाके की गलियों में गई तो ज्यादातर घर सूने थे, कुछ घरों में महिलाएं थी, कैमरा देखकर ज्यादातर महिलाओं ने दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन 2-4 औरतें बाहर आई, कहा कि मकबूलपुरा तो नर्क हो गया है, कुल 12 गलियां हैं, हर गली में नशे का सामान बिकता है, ज्यादातर घर बर्बाद हो चुके हैं, घरों के बर्तन तक बिक गए हैं और हर घर में मौत ने दस्तक दे दी है। लेकिन फिर भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है और न ही पुलिस कोई एक्शन लेती है। कुछ महिलाओं ने बताया कि यहां बाहर से भी लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लड़कियां भी ड्रग्स खरीदने इस इलाके में आती हैं और गलियों में नशे की हालत में पड़ी रहती हैं। हम इस वक्त मकबूलपुरा की गली नंबर 5 में हैं और उस लड़की को ढूंढते हुए दरअसल हम यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि वो लड़की तो नहीं मिली, लेकिन उस लड़की के बारे में जानकारी देने वाली और इस इलाके में जो समस्या है उसके बारे में जानकारी देने वाली कुछ महिलाएं इस वक्त हमें यहां पर मिली हैं। क्या नाम है आपका? सिमरनजीत। सिमरनजीत जी, कितने साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? 1.5 साल हो गया, मतलब कि इतने आ कुछ उन दिनों। क्या हो, क्या प्रॉब्लम है यहाँ? नशा पत्ता ही कर दिया, टीके टाके लाउंदिया, बाहर दिया ज्यादा आउंदिया, इतने बड़ा नरक पाया इन्होंने, कोई इतने सुनाई नहीं करता भी। उस लड़की को देखा है आप लोगों ने कभी? बड़ी आराम पर किने किने गेड़े लाउंदी रही, इतने बड़िया कुड़िया आंदी, एक नहीं ओह ही नहीं कली आंदी, बहुत कुड़ी आंदी है, बड़ा नरक पै चुका इतने, नशा करके कदी इथे डिग कदी उथे डिग, अहि बड़ा कुछ लोगों ने बोल हटे कि तुम इथे ना गली च आया करो, ना नरक पाओ, पर नहीं हटना, हटना बोलते सानू गाला कट दे गाड़ियों। यहाँ पे आती क्यों है? नशा करने वास्ते कि नशे वास्ते आंदियां वा, बस इधरों जांदियां सीधियां लंघ जांदियां, उधरों पी के फिर वापस आ जांदियां, पता नहीं आंदियां कित्थों पी के, इन्ना नहीं पता। यहाँ क्या बिकता है कि जो खरीदने आती है यहाँ आपस करने? इन्ना नहीं ना पता, बिकता होगा पर इन्ना नहीं पता भी बिकता कित्थे आ। हाँ जी, आंदियां जरूर आ, पर नरक बहुत पिया इत्थे। हाँ जी, सिर्फ लड़कियां आती है, लड़के भी आंदे आ बहुत, टोलियां दियां टोलियां आंदियां वा, कोई रिक्शे ते आ गया, कोई आटो ते आ गया, कोई कार ते आ गया। हाँ जी, आहो कुछ चलता पूरा दिन यही सब? हाँ जी, ऐसा कुछ चलता रहिंदा, रात दे 2 बजे तक आहो कुछ चलता। इन महिलाओं की बात समझने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि ये एक लड़की नहीं है,
ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं और टोलियां की टोलियां हैं नौजवानों की जो इस इलाके में आती हैं, नशा करती हैं। इन महिलाओं की चिंता जायज है। सिर्फ मकबूलपुरा नहीं, पंजाब के ज्यादातर इलाके इसी तरह नशे की चपेट में हैं। मैंने इस मुद्दे पर डिटेल में स्टडी की, पता चला कि हालात कितने खराब हैं। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ पीजीआई से भी एक रिसर्च आई थी जिसमें यह कहा गया था कि पंजाब का हर सातवां व्यक्ति नशे का आदी है, वो किसी न किसी तरह का नशा करता है। पंजाब में एक साल में 7,500 करोड़ रुपए के नशे का कारोबार होता है। नशे के कारण पंजाब में क्राइम रेट करीब 33% तक बढ़ गया है। और चिंता की बात है कि नशे के कारण मौत ने पंजाब के ज्यादातर घरों का दरवाजा देख लिया है। कुछ घरों में तो मौत ने बार बार दस्तक दी है। ज्यादातर घरों की दीवारों पर नौजवान लड़कों की तस्वीरें टंगी हैं जो नशे का शिकार हो गए। बूढ़े मां बाप के पास अपनी किस्मत पर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है। गोनिका अरोड़ा मकबूलपुरा के घरों में गई तो हर गली में नशे से उजड़े परिवार मिले। गोनिका राजवीर के घर पहुंची, पता चला राजवीर का पति नशे की लत का शिकारी है। 4 साल में नशे के लिए पति ने घर का सामान बेच डाला। जब घर में खाने की दिक्कत हुई, बच्चों को दोखते रोटी नहीं मिल पाई, लेकिन राजवीर के वश में कुछ नहीं है क्योंकि पति सुनता नहीं। राजवीर ने बताया कि मकबूलपुरा की हर गली में ड्रग्स की डोज सिर्फ 300 रुपए में मिल जाती है। घर में भी कोई है जो नशा? घर में मेरा घर वाला नशा करता है। कितने साल से? हो गए 4 साल से। अगे पन्नी दे पिता टीके लाउंदा सामने। किस चीज का टीका? चिट्टे का। सास सोहरा भी कहिंदा है कि साडे मुंडे नूं तलाक दे दे। वेखो चिट्टा पीता, मैं तलाक दवा, मैं कित्थे जाऊं? मैं रेंट ते रहंदी ऐटा, मैं चौं पंजा घरां दा कम करदी ते मैं फिर रोटी खांदी। आंदिआं नूं चीजां वेच दिंदा। क्या चीजां वेच? चीजां मतलब घर दीआं सारीआं, जो भी घर च अपने छोटी मोटी चीज सारी वेच दिंदा। इस करके मैं बड़ी तंग आई। अज सच पुछे मैं खुद मरन नूं आप तो लगी कि मैं अज कुछ ना कुछ कर लूंगी। 2 दिन घर नहीं होंदा, नशा नहीं मिलदा। कहां से खरीदता नशा? इन्हां नहीं मैनूं दसदा, घर ही नहीं आउंदा नशा लैके। मैं सारियां गलियां फोलदी मकबूलपुरे दीआं, कित्थे लभदा, कित्थों मैं वेखां, कित्थों नहीं लभदा। नशा करके मैं जो इत्थों लगदी 5 नंबर तो 10 नंबर तक फिरदी हां। क्या इन्हीं गलियों में मिलता नशा? हांजी सब मिलता, सारियां गलियां, कोई नहीं 1 नंबर तो लाके 12 नंबर तक सारियां गलियां च। कोई क्या 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 मिलता है नशे में और ये लोग कहां से लाते? इन्हां चीज दा नहीं मैडम मैनूं पता है, ये नहीं मैं कह सकदी। हां पींदे मैं कह सकदी कि कितों पींदा या जरूर पींदा, कोई चीज घर दी नहीं छड्डदा। जनानियां नाल भी पींदा, बंदियां नाल भी पींदा। इन्हां मैं कि 1 नंबर तो लाके 10-11 नंबर तक यही कुछ। तो ये क्या पूरा कोई काम नहीं करता? काम कोई नहीं करता, चिट्टा वेला पूरा दिन। पूरा दिन बस टीका ला लिया ते चीजां वेच लिया जां कुट लिया मार लिया। राजवीर का पति चिट्टा लेता है यानी ड्रग्स लेता है। राजवीर के पड़ोस की घर की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। सतपाल सिंह का घर उनके बिल्कुल करीब है। सतपाल सिंह 70 साल के हो चुके हैं। घर में कमाने वाला सिर्फ बेटा है लेकिन बेटे को नशे ने बर्बाद कर दिया। सतपाल का बेटा 3 साल से नशे का आदी है, चिट्टे का आदी है। राजमिस्त्री का काम करता है लेकिन घर में 1 पैसा नहीं देता। 2 बार पुलिस उसे अरेस्ट कर चुकी है, 1 बार घर वालों ने जमानत करवाई, लेकिन अब परिवार भी थक चुका है। सतपाल बताते हैं कि मकबूलपुरा में नशा लेने कहीं जाना नहीं पड़ता या नशे का सामान खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाता है। हम इस वक्त एक और शख्स के घर पे पहुंचे, कुलवंत सिंह इनका नाम है और उनको भी नशे की लत है। उनके परिवार का इस वक्त क्या हाल है वो उनकी पत्नी दिखा रही है, उनके पिता दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नशे के कारण उनके घर के हालात ऐसे बन चुके हैं क्योंकि उनके बेटे को 2 बार अरेस्ट किया जा चुका है। उनकी पत्नी 1 बार जमानत करा चुकी है, 1 और बार जमानत अब कराने जा रही है। 4 बेटियां हैं उनकी लेकिन स्थिति ऐसी है कि घर पर नशे के कारण जो प्रभाव पड़ा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। आइए मैडम, क्या नाम है आपका? सिंदर। सिमरन। कितने साल से नशा कर रहे हैं आपका हस्बैंड? ए मैम हो गए 3 साल हो गए। हाँ। 3 साल तो दिया ज्यादा बहुत कर। हाँ जी। तो ये कैसे किस कैसे संगति में पड़ा, कैसे ये आदत पड़ी, क्या किसके संपर्क में आया? ए मैम जी तो इतना बाहर वैसे मुंडे मंडे बैंड है पे। हाँ जी, तो मतलब इतना गलत कम जान डे पे बहुत ज्यादा। हाँ। कोई काम करता है? हाँ जी, मिस्त्री का काम करता है, पहले राजमिस्त्री जानता है। आपका क्या नाम? आप पिता है? क्या नाम है?
मेरा नाम सुखपाल सिंह। सुखपाल जी, कैसे आपका बेटा ये सब का आदि हुआ, कैसे आदत लगी? इधर बाहर जानने का काम थे, बाहर मुंडिया ना लग पाया है, आता आता आई टोने हटिया नहीं, मुड़के फिर ज्यादा हो गया। आपका एक ही बेटा? हाँ, नहीं दो बेटे, एक थले एक ऊपर। क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की कि नशा छुड़ाओ केंद्र में कहीं भेजे? रोका बड़ा इसको, तुम बढ़िया शराब पिया पीला, छोड़ा नहीं कभी। कहाँ से खरीद ये? तो बाजार में बिकता है इधर को। बाजार कौन सा? पांच नंबर गली नाले ते, 13 नंबर सारी गली जो कोई को बिकता है। यही के लोग बेच? इधर के लोग क्या अपने के, कोई बाहर के अभी आके बेच जाते हैं, बाहर से आके खरीदते, बाहर से खरीदते बिकता है बाहर। राजबीर हो, सतपाल सिंह हो, ये परिवार ऐसे हैं, इनके लिए थोड़े से सुकून की बात यह है कि उनके परिजन नशे के शिकार हैं जरूर हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने हैं। लेकिन मकबूलपुरा का हर परिवार इतना खुशनसीब नहीं है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब पुलिस का थाना पास में है, पंजाब पुलिस ड्रग्स के खिलाफ जोरदार अभियान चलाने का दावा करती है, तो फिर हर गली में ड्रग्स कैसे बिकते हैं? इसका जवाब तो पंजाब पुलिस के पास भी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक पंजाब पुलिस का दावा तो यह है कि 5 जुलाई से अब तक यानी करीब 2 महीने के दौरान पंजाब में पुलिस ने 2,73,00,000 रुपए के ड्रग मनी जब्त की है, 322 किलो हेरोइन, 167 किलो अफीम, 145 किलो गांजा, 222 क्विंटल चूरा पोस्त और 16,90,000 रुपए की नशे की गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किए हैं। पंजाब पुलिस का दावा है कि 2 महीने में 4,223 ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं। ड्रग्स के मामलों में 3,236 FIR दर्ज की गई हैं। यह फिगर सुनने के बाद तो लगता है कि पंजाब में नशे के सौदागरों के दिन पूरे हो गए होंगे, इतना एक्शन हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। पंजाब में आज भी ड्रग्स का धंधा पूरे जोर शोर से चल रहा है और ड्रग्स अपना सर पंजाब की सेहत पर दिखा रही हैं। हर घर में मौत की पुड़िया पहुंच रही है। गोनिका मकबूलपुरा के घर में गई, घर में बुजुर्ग महिला और उनके पति मौजूद थे। महिला बेटे की तस्वीर लिए बैठी थी, आंखों में आंसू, ड्रग्स की लत ने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। बेटी की मौत के सदमे से बुजुर्ग पिता ने बिस्तर पकड़ लिया। अब ये मां उस दिन को कोसती है जब उसने बेटे को घर से बाहर जाने दिया था और वो स्मैक के इंजेक्शन लगाकर लौटा और फिर हमेशा के लिए चला गया। जी ये बताइए कि क्या हुआ था, ये आपके बेटे की क्या उम्र है, क्या हुआ था? इनकी उम्र 33 साल की है, इसकी शादी नहीं की थी, इसकी शादी इसलिए नहीं की कि नशा बहुत करता था, जो भी कमाता था नशे में रोड देता था, उससे घर में कभी पैसा देता था नहीं तो नशे में चूर रहता था हरदम, बस टीके लगाता था शाम सुबह दोपहर को, जब भी पैसा देखता था टीके में रोड देता था। क्या टीका कहाँ से लाता था ये, क्या उसमें भर के लगाता था? जिसमें एक लगाते हैं, हाँ जी। क्या कहाँ से लेके आता था ये, इसी इलाके में मिलती थी, कहाँ मिलती थी ये? इसी इलाके में मिलती है, बहुत बिकती है। अब भी तुम देखोगे तो 15-15, 20-20 मुंडे आते हैं लेने के लिए और ऐसे पुड़ियां पकड़ाते हैं जैसे पता नहीं क्या बिक रहा है। आपके बेटे को कब से लत थी? उसको हो गए थे 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से हमने उसको 2 महीना अपने घर में रखा, उसका लाद कराया तो फिर भी वो काम पे चला गया। एक दिन कहता कि मम्मी मेरा दिल नहीं लगता घर में अकेले बैठे हुए, तो मैंने काम पे जाना है, मेरा लक बहुत दर्द होता मंजे पे पड़े पड़े, तो फिर ना उसको चला गया, तो फिर उसने टीका लगा लिया चोरी से, तो फिर 2-3 दिन के बाद में उसकी डेथ हो गई। क्या था उस इंजेक्शन में, स्मैक ही था? जिसमें स्मैक होता था भर के। तो ये क्या घर में आकर भी लगाता था ये कि बाहर ही? नहीं बाहर ही लगाता था, घर में लगाता था। आपके पति हैं? हाँ जी वो देखो। तो कैसे अब घर का वही काम कर रहे हैं, वही चला रहे हैं? हाँ जी छोटा बेटा करता है थोड़ा बहुत काम। मकबूलपुरा के हर दूसरे घर की यही कहानी है, किसी घर में एक मौत हुई है, किसी में दो,
तो किसी में 3 से 4 लोगों की जान ड्रग्स ने ले ली है। मौत हर घर की चौखट पर दस्तक दे चुकी है। मकबूलपुरा में भोली रहती है, उनका बेटा और पति दोनों ड्रग्स के कारण साथ छोड़ गए। 2018 में भोली के पति की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण हुई और उसके 5 महीने के बाद 21 साल का बेटा ड्रग्स की लत के कारण दुनिया छोड़कर चला गया। भोली ने बताया कि अब उनकी दुनिया में कुछ नहीं बचा। कम से कम उनके घर का हाल देखकर दूसरे नौजवान समझ जाएं कि ड्रग्स की लत के शिकार लोगों के परिवार वालों का क्या हाल होता होगा, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। हम इस वक्त उनके ही घर में पहुंचे हैं उनसे बात करने के लिए कि किस तरीके से इस वक्त इन लोगों के घर की स्थिति है। 2018 में दोनों की, यानी कि पिता और पुत्र की, दोनों की एक ही साल में मौत हुई थी और सिर्फ 5 महीने के अंदर, यानी कि फरवरी में 2018 में इनके पति की मौत हुई और उसके बाद जुलाई 2018 में इनके 21 साल के बेटे की मौत हुई। वैसे तो जो महिला है उनसे बात करते हैं। बोले जी, सबसे पहले तो क्या, कैसे ये दोनों को नशे की लत लगी, क्या हुआ था? ये तो शराब पीते, ये नशा दूजा करता, टीके लगता है। अच्छा, ये शराब की लत? हाँ, शराब ना। हाँ, ये टीके लगता है। हाँ, क्या किस चीज का टीका लगाता था, क्या क्या मिलता था? नशे वाला स्मैक वाला। स्मैक वाला कहाँ से मिल लेता था ये? हाँ, इतो यहाँ इधर भी वेकदा, 5 नंबर गली च भी वेकदा। ये मुंडे कट्ठे ही रेंदे यहाँ, इन्हां दा ते। हाँ, आपके बेटे की उम्र कितनी कम है, कितने साल का था? ये 21 साल आधा है, 21 या 22 साल। कितने साल से इसको लत लगी हुई थी नशे की? 15 साल आचे लग गई। 15 साल आचे लग गई। हाँ, 15 साल की उम्र में। तो आप लोगों ने रोका, क्या होता था, कैसे? बहुत ज्यादा रोकया मारिया भी, पर नहीं, आखे नहीं लगता। ये भोली है, इनके इन्होंने अपने पति को भी इसके कारण खोया। दरअसल यहाँ पर शराब भी मिलती है जो कि केमिकल वाली शराब होती है, जो 10-10 रुपए में पन्नियों में मिलती है। उसके कारण इनके पति की जान गई और उसके बाद कुछ महीने बाद सिर्फ इनका 21 साल के बेटे की मौत हुई। मैं आपको ऐसी कितनी सारी कहानियां दिखा सकता हूं, कितना सारा कड़वा सच दिखा सकता हूं। किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति और बेटा दोनों चले गए। लेकिन अब जिस बच्चे की बात मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, उसकी दास्तान सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। गुनिका को 15 साल का बच्चा मिला। उसके घर में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें टंगी हैं जिन पर फूल मालाएं टंगी हैं। बुजुर्गों के अलावा बच्चे के पिता, बच्चे के 2 चाचाओं की तस्वीरें भी हैं। इस बच्चे ने बताया कि अब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बचा नहीं। मकबूलपुरा में रहते थे, पुश्तैनी घर था, पापा को नशे की लत लगी, उन्होंने अपने छोटे भाइयों को भी नशे का आदी बना दिया। दादाजी ने यह घर छोड़ दिया, दूसरे इलाके में जाकर किराए के घर में रहने लगे, लेकिन वहां भी नशे का सामान मिल जाता था। किराए के घर में पापा की मौत हो गई, दादाजी हार कर वापस मकबूलपुरा के पुराने घर में आ गए। यहां पापा और 2 छोटे भाई भी ड्रग्स का शिकार हो गए। मकबूलपुरा को नशे ने किस तरीके से बर्बाद किया है, यहाँ के परिवारों पर किस तरीके से असर हुआ है। एक और हमारे साथ परिवार है, एक और परिवार का एक शख्स है, हालांकि माइनर है, इसलिए हम ना तो तस्वीर आपको चेहरा दिखाएंगे और ना ही उनका नाम बताएंगे, लेकिन इनके परिवार के 3 लोगों की मौत नशे के कारण हुई है। किस तरीके से लत लगी, इनके पिता की, इनके दोनों चाचा की, दोनों तीनों की मौत सिर्फ नशे के कारण हुई है। इन्होंने कभी अपने पिता को देखा तक नहीं है। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या, कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, कैसे वो लोग नशे के उसमें आए, लत में लगी, कैसे लगा? छोटी एज में ही उन्होंने ना कर लिया था ये। कितनी एज? 16-17 एज की। मेरे जो सबसे छोटे चाचू थे ना, उन्होंने तो 16 साल की एज में ही, मतलब कि भाई, दोनों भाइयों ने आपस में मिलकर ही किया है ये, जो भी किया ना, इनको थी आदत, इन्होंने दूसरे को चोटे को लगवा दी, तो फिर ऐसे ही तीनों में आपस की स्पंदी में कर लिया, जो भी किया इन्होंने। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, भी बुरी संगत में इन्होंने संगत ही ऐसी कोई ज्वाइन कर ली, उसके साथ ही इन पर असर पड़ा और कर लिया इन्होंने। ये ऐसा हुआ कि एरिया ऐसे में रह रहे हैं जहां पर खुलेआम नशा बिक रहा है, हम खुद देख रहे हैं कई जगहों पर जाकर जहां लोग खरीदने आ रहे हैं, और डर भी है, पुलिस का डर भी नहीं है, तो क्या ये
जल्दी मिल जाता था, एक्सेसिबल जल्दी था, इसीलिए ज्यादा लोग कर रहे हैं। मैम यहाँ प्रेजेंट होता ही है, अवेलेबल होता है तो मिल जाता है। अगर इनको मिलेगा नहीं तो कहीं और जाएंगे। आप सोचो कि अगर मिल रहा है इनको तो तभी इधर बिक रहा है। यहाँ अवेलेबल होता ही हर टाइम। अब सवाल यह कि अगर हर परिवार में मौत का मातम है, मौत की वजह ड्रग्स है, हर गली में ड्रग्स सरेआम मिल रही है, आम लोग इसके वीडियो बना रहे हैं, मीडिया को भेज रहे हैं, तो क्या यह सरकार को नहीं दिखाई देता? क्या इलाके के एमएलए को इसकी कोई जानकारी नहीं है? इलाके के नेता क्या कर रहे हैं? इस सवाल तो पूछा जा सकता है। मकबूलपुरा अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योत कौर ने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया था। जीवन ज्योत कौर से पूछा गया कि मकबूलपुरा का इलाका ड्रग्स का अड्डा बन गया है, क्या आपको नहीं मालूम? आप क्या कर रही हैं? जीवन ज्योत कौर ने कहा कि बहुत तेजी से एक्शन हो रहा है। मकबूलपुरा के लोग ही कह रहे हैं कि अब पुलिस बहुत सख्ती कर रही है, सरकार ड्रग्स के खिलाफ बहुत सेंसिटिव है, एक्शन हो रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਲੋਅ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਮ ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਹਿਤੇ ਰਹੇ, ਇਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਗੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मकबूलपुरा का वीडियो उन्होंने भी देखा है, लड़की को रिहैब सेंटर भेज दिया गया है, मकबूलपुरा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला रही है, चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ड्रग्स भी बरामद हुई हैं। अरुणपाल सिंह ने कहा कि मकबूलपुरा ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन चुका है, यहाँ ड्रग एडिक्ट भी ज़्यादा हैं, इसलिए ये इलाका नशे के सौदागरों का टारगेट बना हुआ है। पुलिस एक्शन लेती है लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर करीब है, इस वजह से ड्रग्स के मामले में पुलिस के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। जिस एरिया की ये वीडियो है उसका नाम है मकबूलपुरा, और ये एरिया वन ऑफ द ड्रग हॉटस्पॉट्स है कमिश्नरेट ऑफ पुलिस अमृतसर में। तो ड्रग हॉटस्पॉट मींस भी वहाँ इंसिडेंट्स ऑफ ड्रग ज़्यादा है। मकबूलपुरा इटसेल्फ में हमने 43 केसेस दर्ज किए हैं, जिसमें 60 जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। पुलिस को जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है कहीं भी क्राइम की भी, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। जब भी हमें कोई रिकवरी होती है हम उसके बैकवर्ड लिंक पे जाते हैं कि ये कहाँ से लेके आया, तो बैकवर्ड लिंक वाले जो हैं उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये सही है कि भी हमारी प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो वहाँ भी उधर से भी पोरस बॉर्डर थ्रू एरियल रूट आजकल नया ट्रेंड है, तो वहाँ से भी सप्लाई है। बाकी जो लार्ज स्केल न्यूज़ में पढ़ा जा रहा है कि भी बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स पोर्ट सी रूट से भी आ रहे हैं, तो जो हमारी सिटी है इसमें उसको टारगेट बनाया जा रहा है एज ए कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पर एडिक्ट्स हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में उसको बेचा जाता है एडिक्ट्स को, बट हम लार्ज कमर्शियल क्वांटिटीज़ भी हमने कुछ रिकवर करी हैं, तो हमारा सस्टेन्ड एफर्ट इस बारे में जारी है। पुलिस का जवाब नया नहीं है, हजारों बार इसी तरह के जवाब हमने सुने हैं। मैं मानता हूं 2 महीने में पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के 4,000 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है, 3,500 के करीब केस दर्ज किए हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि इनमें से सिर्फ 328 मामले ऐसे हैं जो ड्रग्स के धंधे से जुड़े हैं, बाकी सारे केसेस ड्रग्स के इस्तेमाल के हैं। यानी पुलिस ने जो एक्शन लिया उसमें फिगर्स तो बड़े बड़े नजर आते हैं, दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो केसेस बनाए गए हैं उनमें ज्यादातर केसेस कमजोर हैं, ज्यादातर केसेस में लोग बड़ी आसानी से छूट जाते हैं और फिर इसी धंधे में लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी खबर आई है कि जैसे ही इंडिया टीवी पर यह खबर दिखाई गई 17 पुलिस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जिन अफसरों का ट्रांसफर हुआ है
उनमें मकबूलपुरा के SHO का नाम भी है। मुझे लगता है इस तरह के कॉस्मेटिक एक्शन से ड्रग्स की प्रॉब्लम से छुटकारा तो नहीं मिलेगा। सच बात तो यह है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। कोई भी पार्टी हो, किसी ने इस मामले में ईमानदारी से काम नहीं किया। अकाली दल की सरकार थी तो कांग्रेस ड्रग्स का मुद्दा जोर शोर से उठाती थी। राहुल गांधी ने पंजाब को ड्रग मुक्त कराने का वादा किया था। कांग्रेस की सरकार आई तो नवजोत सिंह सिद्धू कहने लगे कि उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। सिद्धू ने बहुत शोर मचाया, 5 साल में ड्रग्स के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ यह बताया। लेकिन चुनाव से पहले अकाली दल के नेताओं के खिलाफ FIR करवाकर गिरफ्तारियां करवा दी। लेकिन जनता सब जानती है, हकीकत को समझती है। सिद्धू को जवाब उनके चुनाव में मिल गया, वो हार गए। लेकिन जनता ने जिन जीवन ज्योत कौर को जिताया वो भी अब तक कुछ खास नहीं कर पाई है। मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त केजरीवाल ने पंजाब को ड्रग्स के जहर से मुक्त कराने का जो वादा किया था उस पर खरा उतरने के लिए उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है कि आपकी अदालत का एक स्पेशल शो रिकॉर्ड करने के लिए जब मैं अमृतसर गया था, उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली उस प्रोग्राम में मेरे मेहमान थे। उस शो के दौरान एक लड़की ने खड़े होकर हाथ जोड़कर रोते हुए कहा था कि पंजाब के पास सब कुछ है, बस पंजाब को ड्रग से छुटकारा दिला दो, पंजाब के बेटों को बचा लो, पंजाब की बेटियों को बचा लो। आज भी उस बेटी की आवाज मेरे कान में गूंजती है। ड्रग्स ने पंजाब का पानी और पंजाब की जवानी दोनों को बर्बाद कर दिया है। यह ऐसा मसला है जिस पर सारे राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर इससे लड़ने की रणनीति बनानी होगी। आज बंगाल से भी बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें आई। 1.5 दशक के बाद कोलकाता की सड़कों पर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। जिस अंदाज में, जिस ताकत के साथ, जिस तेवर के साथ किसी जमाने में ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी, आज BJP ने उसी अंदाज में ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लाखों की संख्या में BJP के कार्यकर्ता कोलकाता पहुंच गए। प्रोटेस्ट बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ था। BJP वर्कर फुल फॉर्म में थे। BJP के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने भी पुलिस के हजारों जवान तैनात किए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल से BJP के कार्यकर्ता कल से ही कोलकाता पहुंचना शुरू हो गए थे। क्योंकि कोलकाता के बाहर ही BJP के लोगों को रोका जा रहा था, इसलिए BJP के कार्यकर्ता बोट के जरिए शहर में घुस गए और प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। BJP ने रैली को नाम दिया था चलो दबान। दबान कोलकाता के नए सचिवालय का नाम है। दबान का मतलब होता है नया अन्न। BJP का इल्जाम है कि सचिवालय में करप्शन के सिवाय कुछ नया नहीं हो रहा, इसलिए BJP के नेताओं ने 3 जगहों से एक साथ पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरिएट की तरफ मार्च करना शुरू किया। बंगाल BJP के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की लीडरशिप में हावड़ा से, दिलीप घोष के नेतृत्व में सियालदा से और शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में सांतरागाछी से BJP के कार्यकर्ता नबान्न की तरफ बढ़ने लगे। कोलकाता की सड़कों पर से लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। BJP के कार्यकर्ता भी जोश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के पूरे इंतजाम कर रखे थे। प्रोटेस्ट वाली जगहों पर रास्ते बंद थे, पुलिस तैनात थी, वाटर कैनन का इंतजाम था और जैसे ही BJP के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन पर पुल के ऊपर से वाटर कैनन से पानी बरसाया गया। शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा और लॉकेट चटर्जी जैसे बंगाल BJP के बड़े बड़े नेताओं को तो शुरू में ही हिरासत में ले लिया गया। वाटर कैनन की मार से बचकर BJP के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। वाटर कैनन फेल हो गया तो पुलिस ने लाठियां उठाई। BJP का जो कार्यकर्ता पुलिस की गिरफ्त में आ गया उस पर कितनी लाठियां पड़ी ये खुद पुलिस वाले भी नहीं गिन पाए। किसी का सिर फूटा, किसी की टांग टूटी, लेकिन लाठी चार्ज का असर यह हुआ कि कुछ ही मिनटों के बाद सड़क खाली हो गई।
दिलीप घोष ने कहा कि पुलिस के लाठीचार्ज से सिर्फ कोलकाता में ही 350 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता घायल हैं, जिनमें से 3 दर्जन कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। जिस प्रकार भ्रष्टाचार इतना ऊपर तो हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाना विरोधी पक्ष के नाते हमारा जिम्मेदारी है। और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक आंदोलन में हम शामिल हुए थे, लेकिन पुलिस जिस प्रकार से हमारे ऊपर जाजिती की, 350 से ज्यादा लोग वुंडेड है यहाँ जो कलकत्ता में, दूसरे जिला में भी कुछ लोग गए हैं, 1200-1250 लोग कहीं ना कहीं उनको बंदी किया गया है, बाद में छोड़ा भी गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग हॉस्पिटल में लोग अभी इंजर्ड है, भर्ती हैं, और 35 लोग सीरियसली इंजर्ड है जो हॉस्पिटल में है। तो कम ज़्यादा 350 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। इस प्रकार एक परिस्थिति शांतिपूर्वक, और जो शोभा यात्रा था, जो रैली था, उस पर पुलिस का जो आक्रमण है, इससे पता चलता है कि सरकार का मनोबल बहुत नीचे है। हालांकि पुलिस की तरफ से जब एक्शन हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जवाब दिया, पुलिस पर पत्थर चलाए। क्योंकि पुलिस वाले पूरी तरह रायट गियर से लैस थे तो उन्हें तो चोट नहीं आई, लेकिन कोलकाता में एक पुलिस अफसर पर हमला हुआ। ये पुलिस अफसर प्रोटेस्ट मार्च कर रहे लोगों को रोकने के लिए खड़े थे, लेकिन हंगामे और अफरा तफरी के दौरान वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच फंस गए और इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस अफसर की पिटाई कर दी। पुलिस अफसर पर इस तरह के हमले को जायज नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस के एक्शन से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हिंसा के मामले में 6 केस दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन पुलिस वालों को चोटें आई हैं। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियों के साथ साथ टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अफरा तफरी देर शाम तक चलती रही, क्योंकि बीजेपी के वर्कर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। बीजेपी ने इतने बड़े हंगामे के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ने तो पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, पुलिस और प्रशासन को वक्त पर इंटीमेट कर दिया था, लेकिन सरकार चाहती थी प्रोटेस्ट मार्च में हिंसा हो जाए, इसलिए माहौल खराब किया गया। देखिए, हम शुभेंदु अधिकारी, लोकेश चटर्जी, तीनों को जो गिरफ्तार किया वो तो 144 नहीं था, सड़क से हम लोग जा रहा था, हमारा साथ कोई कार्यकर्ता भी नहीं था, तो किस लिए अरेस्ट किया, हम लोगों का गुनाह क्या है? लेकिन अरेस्ट करने का जो प्रक्रिया, वो आपने टीवी में देखा या फोटो में देखा, जिस ढंग से चोर को लेके गिरफ्तार करता है, ऐसा चोर खूनी को जैसे पकड़ता है पुलिस, उसी हिसाब से पकड़ा। हमारा इसमें सर फूट गया, इसमें हाथ में भी देखिए, ऐसा एक राजनेता का साथ ऐसा व्यवहार, और उसके बाद ही लगातार इन लोगों ने हमारा कार्यकर्ता को बोल लाठी टीयर गैस छोड़ने का काम शुरू किया, जिसके लिए घटना इतना बड़ा हो गया। इसीलिए इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी है, कारण वो डर रहे बीजेपी से, बीजेपी से इतना भयभीत है, इतना डर रहा है, और डर का कारण ऐसा घटना हुआ। कोलकाता में आज का प्रोटेस्ट बीजेपी ने किया तो था करप्शन का मुद्दा उठाने के लिए। भ्रष्टाचार के सवाल पर ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी सरकार के मंत्रियों को घेरने के लिए, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसके चक्कर में असली मुद्दा गायब हो गया। सारा फोकस बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई और हंगामे तक सिमट कर रह गया। अब बीजेपी के पास ऑप्शन है कि विधानसभा के सेशन में पुलिस की जादी का सवाल उठाए और करप्शन के मुद्दे पर ममता बनर्जी को विधानसभा में घेरने की कोशिश करें, लेकिन ममता बनर्जी के पास जिस तरह की मेजोरिटी है, उन्हें इन सारी बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज राजस्थान से भी एक इंटरेस्टिंग खबर आई। जयपुर के पास आज अशोक गहलोत का एक प्रोग्राम था, भीड़ अच्छी खासी जुटी थी, लेकिन गहलोत के आने से पहले मंच से ऐलान हुआ कि जनता को सिर्फ ताली बजानी है, अगर नारे लगाने हैं तो सिर्फ अशोक गहलोत जिंदाबाद और राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए जा सकते हैं, अगर किसी ने कोई दूसरा नारा लगाया तो वो सीधे जेल पहुंच जाएगा। राजीव गांधी का नाम का नारा लगाने की छूट इसलिए दी गई क्योंकि गहलोत जिस प्रोग्राम में गए थे वहां ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हो रहा था,
और इस ग्रामीण ओलंपिक का नाम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक रखा गया है। इसीलिए अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर ने कहा कि सिर्फ राजीव गांधी के नाम पर और गहलोत के नाम पर ही नारे लगे, किसी और का नाम न लिया जाए। कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे। दो नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, बस। नारे केवल दो ही लगेंगे। अपने फोटो को कोई भी न्यूसेंस करे, इशारा करो तत्काल। गलती से पड़ोसी गलती कर दे, पड़ोसी न्यूसेंस कर दे, और जिसने गलती नहीं करी वो लपेटे में आ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आज तक 24 साल में कभी कोई किसी कार्यक्रम अनशनहीनता होती नहीं, ने मैं बर्दाश्त करता हूं। बाबूलाल नागर ने माइक पर साफ साफ धमकी दे दी, कोई गड़बड़ी ना करे। इसलिए कोई गड़बड़ी हुई नहीं, जनता ने सिर्फ ताली बजाई। कभी कभी कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन मंच से सिर्फ दो नारे लगाने की हिदायत क्यों देनी पड़ी, इसको भी समझने की जरूरत है। असल में आजकल अशोक गहलोत के सपोर्टर्स को यह डर रहता है कि कहीं सरकार के प्रोग्राम में अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट के नाम के नारे ना लग जाए। इस तरह के नारे कई जगह लगे हैं। आज अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री अशोक चांदना ने खुलकर कहा सचिन पायलट जानबूझकर मंत्रियों की बेइज्जती करवा रहे हैं, अपने सपोर्टर्स को मंत्रियों के प्रोग्राम में भेजकर हंगामा करवाते हैं। अशोक चांदना इससे नाराज हैं क्योंकि उनकी सभा में कल जूते चल गए थे। असल में पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में कल कर्नल किरोड़ा सिंह बैंसला की अस्थियां विसर्जित की जानी थी। इसके लिए पुष्कर में एक श्रद्धांजलि सभा हुई, उसमें लाखों गुर्जर जुटे। राजस्थान के अलावा यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश से भी गुर्जर आए थे, लेकिन इस मौके पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। श्रद्धांजलि सभा में एक तरफ कर्नल बैंसला को याद किया जा रहा था, दूसरी तरफ राजस्थान के दो मंत्रियों अशोक चांदना और शकुंतला रावत के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, उनकी हूटिंग की जा रही थी, सीटियां बजाई जा रही थी। नारेबाजी के बाद मंच की तरफ जूते और चप्पल उछाले गए। भीड़ में से जूता किसने मारा, चप्पल किसने फेंकी, ये तो पता नहीं चला, लेकिन जूते और चप्पल दोनों ही मंच से थोड़ी दूर पर गिरे। मंच पर मौजूद किसी नेता को लगे नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो इस श्रद्धांजलि सभा को अटेंड नहीं किया। उन्होंने अशोक चांदना के हाथों शोक संदेश भेजा था। अशोक चांदना भी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने, नारेबाजी जारी रही। मंत्री जी ने पहले तो कहा कि वो सबको देख लेंगे, उसके बाद किसी तरह मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा। जो स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है, इसकी मुझे आशा तो नहीं थी। अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने। सभा में जूते चप्पल चले तो अशोक चांदना वहां से उठकर चले गए, लेकिन वो खामोश नहीं रहे। इस घटना के बाद अशोक चांदना लगातार बोल रहे हैं। पहले उन्होंने ट्वीट करके सचिन पायलट को धमकी दी और फिर कैमरे के सामने आकर कहा कि उन पर जूते और चप्पल फेंकवाने के पीछे सचिन पायलट ही हैं। जो लोग इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर इस प्रकार की हुड़दंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जिस मंच पर सरकार के मंत्री बैठे हों, जिस मंच पर समाज के इतने बड़े नेता, इतने प्रतिष्ठित लोग, समाज के जो शहीदों के परिवार के लोग हैं वो बैठे हों, और उस पर कोई आम आदमी आकर जूता फेंक दे, इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। किसी ने किया है तो प्री प्लान तरीके से उसको प्लान करके उसके ऊपर एक्शन हुआ है। पहले को आपने डायरेक्ट ड्यूट पे लिया है जी, उनके नाम से इस बात बिल्कुल किया, उन्होंने भी दुआ है क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उड़दंग कर रहे थे और
उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफ़ी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं, तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का टकराव तो कोई नई बात नहीं है। अब तक अनुभवी अशोक गहलोत अति उत्साहित सचिन पायलट को कई बार पटखनी दे चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों जब इस बात की चर्चा होने लगी कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, उन्हें दिल्ली लाना चाहती हैं, तो सचिन पायलट के समर्थकों को लगा इसमें सचिन के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर अशोक गहलोत दिल्ली गए तो सचिन पायलट ऑब्वियस ऑल्टरनेटिव होंगे। इसी उम्मीद का जोश सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों में दिखाई दिया, इन सारे हंगामों में दिखाई दिया। लेकिन अशोक गहलोत का फिलहाल दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं लगता, वो राजस्थान में ही रहना चाहते हैं और जब तक वो यहां हैं सचिन पायलट का कोई चांस नहीं दिखाई देता। आज बिहार में कैबिनेट मीटिंग के दौरान कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी सरकार के कामकाज के प्रति नाराजगी जाहिर कर दी। कल सुधाकर सिंह ने कहा था कि उनके विभाग के सभी अफसर चोर हैं और वो खुद चोरों के सरदार हैं। ये बयान मैंने आपको कल आज की बात में सुनवाया था। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह से पूछा कि मंत्री होकर इस तरह का बयान क्यों देते हैं, तो सुधाकर सिंह ने कहा उन्होंने जो कहा सही कहा, और इसके बाद वो नाराज होकर कैबिनेट की मीटिंग से निकल गए। इसके बाद सुधाकर सिंह ने इंडिया टीवी के संवाददाता नीति चंद्र से कहा कि बिहार में पिछले 17 साल में कुछ नहीं हुआ, अब तो हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। इसके बाद बिहार के कृषि मंत्री ने यहां तक कह दिया कि उनके विभाग को बजट की जरूरत ही नहीं है, बजट खत्म कर देना चाहिए। मेरे पहले के अनुभव हैं, जब से हम लोग राजनीति में हैं और लगातार हम कार्यकर्ता के तौर पे जनता के बीच में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जब से हम शामिल हैं, तब से जो हमारे ओपिनियन से तब से हैं, और उस ओपिनियन में मेरे सरकार में आने के बाद भी बदलाव नहीं हो रहे हैं। जनता की शिकायतें वैसे ही की वैसे बनी हुई हैं। 17 सालों में कुछ भी नहीं बदला भ्रष्टाचार को लेकर? मेरे हिसाब से तो स्थिति बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी ब्लॉक में चले जाइए, किसी अंचल में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, लोगों के आप बयान को दर्ज कर लीजिए। आपके विभाग में कई अधिकारी हैं चोर हैं, इसलिए हम चोरों के सरदार ठहरे? मैं इस बयान पर अभी भी कायम हूँ, मैं ओन करता हूँ इस इन समस्याओं को, मैं ओन करता हूँ कि नहीं, इस तरह की है समस्या, हम इसे डिनाई नहीं करते। इस डिपार्टमेंट को बजट की क्या ज़रूरत है? इस विभाग को बजट की जरूरत है भी नहीं, किसान तो अपने बूते खेती करता है। पानी के लिए अलग है सर विभाग, बिजली के लिए अलग है विभाग, और हमारा जो फर्टिलाइजर है वो केंद्र सरकार की सब्सिडी पर निर्भर है, और धान खरीद के लिए भी अलग डिपार्टमेंट, इसमें कृषि विभाग कहाँ है? तो कृषि विभाग के लिए तो बजट की जरूरत है नहीं। एक मंत्री भरी सभा में खुद को चोरों का सरदार कहे, फिर कैबिनेट की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर से कहे उसने जो कहा वो सच कहा, मुख्यमंत्री को चैलेंज करे, और उसके बाद फिर कैमरे के सामने आकर अपनी सरकार के बारे में आलोचना के शब्द कहे, और चीफ मिनिस्टर कुछ न कर पाए न कह पाए, इससे समझ आता है कि बदले हुए हालात में नीतीश कुमार कितने बेबस हैं, कितने लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनवाता हूं जिसे सुनकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी चक्कर में पड़ गए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हुआ यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो पूछा गया था, क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में मेधा पाटकर को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाएंगे, तो उस पर केजरीवाल ने क्या कहा, वो जवाब जिसने उनकी पार्टी के लोगों को चकरा दिया, आप ही सुनिए। मैंने सुना है कि मोदी जी के बाद वो सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बना रहे हैं भाजपा वाले, उस पे उनसे पूछना क्या कहेंगे वो, मेरे प्रश्न को पूछना उनसे, हिम्मत करना थोड़ी सी आप, मैं जानता हूं कि डर लगेगा आपको। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछना कि केजरीवाल ने आरोप लगाया है
कि आप मोदी जी का सक्सेसर सोनिया गांधी जी को नेशनल लेवल पे पीएम कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं, उनका उस पर क्या कहना है? वो बैकडोर से सोनिया गांधी को देश का पीएम बनाना चाह रही है बीजेपी, उनसे प्रश्न पूछिए, आप हिम्मत कीजिए। असल में गुजरात में इस बात की चर्चा है कि केजरीवाल मेधा पाटकर को चुनाव के मैदान में उतारेंगे और गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। वो पहले भी मेधा पाटकर को लोकसभा का चुनाव लड़वा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि मेधा पाटकर से गुजरात के लोग नाराज हैं क्योंकि उन्होंने सरदार सरोवर डैम का विरोध किया था, इसका उन्हें नुकसान हो सकता है। तो जब जब मेधा पाटकर का नाम आता है तो जवाब देने से बचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब उनसे पूछा गया क्या वो मेधा पाटकर को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो उन्होंने डिफ्लेक्ट करने के लिए कह दिया कि बीजेपी वाले सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बात को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज इसकी चर्चा काफी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।